वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसा कि हमने अपना लास्ट लेक्चर में करा था टू हिंज आर्चेस की हमने डेरिवेशन करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना होता है टू हिंज आर्चेस में, तो वो हमने ड्राइव कर लिया था एच का हमारा जो फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रल ऑफ एम बाई डी एस बाई आई बाई इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एस बाई आई, ये मैंने अच्छे से कर लिया था। लेकिन हमें ना ये ड्राइव नहीं करना होता हर एक बार में, तो हमें आज मैं प्रॉब्लम्स कुछ करवाऊंगा, मतलब केसेस वगैरह कराऊंगा, उसमें हम सीधा एच की वैल्यू डालेंगे, ना कि हम ये पूरा ड्राइव करेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा मेरा, तो आप प्लीज वो देख लीजिए पहले, फिर इस पर आना, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो जैसे कि आज हम करेंगे, देखो मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। देखो हमारा ना जो टू हिंज आर्चेस होता है ना, उसमें हम दो तरह के केस करते हैं। एक तो जो हमारा होता है, देखो सेमी सर्कुलर आर्चेस होता है, ठीक है ना, एक हमारा सेमी सर्कुलर होता है और एक हमारा होता है पैराबोलिक, एक होता है हमारा पैराबोलिक आर्चेस। तो आज की हम जो वीडियो में करेंगे, हम सेमी सर्कुलर वाला केस करेंगे, ठीक है ना। इसमें दोनों में फर्क क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम पैराबोलिक में आ जाएंगे, लेकिन आज हम करेंगे सेमी सर्कुलर। तो ये तो सिंपल जो मैंने आपको पहली वीडियो में कराया था वैसे सब कुछ होगा। तो अब शुरू करने से पहले मैं आपको चीज बताता हूँ हमें आज क्या करना है। देखो हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर सेमी सर्कुलर आर्च फॉर गिवन पॉइंट लोड एट सेंटर, या तो सेंटर बोल दो, सेंटर और एट क्राउन। अब इसका क्या मतलब होता है मैं पूरा आपको क्वेश्चन समझाता हूं, एट क्राउन, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, लेकिन हमने फॉर्मूला तो कर लिया था, लेकिन हमें वैल्यू भी तो निकालनी है। अब वैल्यू किस चीज की निकालनी, देखो अगर हमारा पॉइंट लोड होता है क्राउन या फिर सेंटर ऑफ हमारा सेमी सर्कुलर आर्च पर, तो अब हम सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर आर्च बनाते हैं। देखो हिंज आर्च, टू हिंज आर्च बनाना है, ठीक है, मैं यहीं पे आपको बना के दिखाता हूं। देखो कुछ हमने इस तरह बना लिया, ठीक है, ये हमारा एक आर्च हो गया, हिंज है तो हमने ऐसे लगा दिया, नीचे ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इससे पता चल गया टू हिंज है। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्च है उसका पॉइंट लोड दिया है सेंटर पर, तो लेट ये हमारा एक सेंटर है, ठीक है ना, क्राउन है ये, तो लेट डब्ल्यू लोड दिया हमें, तो एक तो ये तो पूरा हमारा सेंटर हो गया, इसे हम एच बोल देते हैं, जो कि हमारा होता है सेंट्रलाइज। ये सब कुछ मैंने आपको अपनी पहले वाले लेक्चर में समझा रखा, तो आप ये देखने से पहले जरूर वो देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखा। तो ये तो हमारा एक पूरा आर्च हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ये एच या तो इस तरह से या तो ये, दोनों इनवर्ट्स होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो हमें एच फाइंड करना है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा गोल क्या है, एच फाइंड करना है। तो अब इसके लिए देखो मैंने उसमें भी आपको सबसे पहले बताया था कि आप पहले मेंशन कर लीजिए जो जो आपको पता है। तो मेंशन करेंगे तो देखो अब हमें यहाँ पे देखो इसे ए पॉइंट ले लेते हैं, इसे बी, ये हमारा हो गया आर ए, ये हो गया हमारा आर बी, ठीक है। अब सबसे पहले हम आर ए आर बी निकाल लेते हैं। देखो मैंने आपको कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि हमें सिंपल एनालिसिस से निकालना होता है। तो देखो अगर मैं अब आपको समझाऊं कि अगर हमें एक बी में दिया हुआ है, ठीक है, उसके सेंटर पे हमारा पॉइंट लोड है डब्ल्यू और ये आर ए और ये आर बी, तो हमारा क्या हो जाता है, देखो ये हमारा कितना हो जाता है डब्ल्यू बाई टू और ये भी डब्ल्यू बाई टू, ये तो आपको पता ही है, तो ये सिंपल एनालिसिस है, ये आपको सबको पता ही है, तो वही सेम इसमें होगा। तो हमारा आर ए क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू, आर बी भी क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू, कैसे आया, बिकॉज ऑफ सिंपल एनालिसिस। ये आपको कोई मेंशन करने की कहीं जरूरत नहीं है कि आपने कैसा निकाला, बस आप सिंपली लिख सकते हो, या तो यहां लिख सकते हो या तो अलग से लिख सकते हो, आर ए इजल टू आर बी इजल टू डब्ल्यू बाई टू, अगर पॉइंट लोड सेंटर पर है, अगर कहीं और है तो वहां से अलग से निकलेगा, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हमें सबसे पहले इस पर क्या करना होता है, देखो अगर आपको मैं फॉर्मूला बताऊं, देखो ये इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे एच, ये वाला फॉर्मूले में हमारा ये होता है बीम के लिए, बीम इक्वेलेंट, ठीक है ना, मतलब जो हमारा आर्च होता है ये नहीं, इसका बीम इक्वेलेंट पे हम मूवमेंट लेते हैं, तो मूवमेंट वो निकालने के लिए हमें एम बीम निकालना होता है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमें देखो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, जैसे लेट यहां से लिया हमने,
इसे हम पी मेंशन करते थे, ठीक है, पी किस पॉइंट पे, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, हमने एक्स कॉमा वाई पे ले लिया, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉइंट यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर है, और यहां से ये वाला ये थोड़ा स्ट्रेट है, यहां से ये वाला वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं आपको बताऊं, यहां पे हमें ना एक्स और वाई की वैल्यूज भी चाहिए होती है। देखो एक्स यहां पे हम डीएक्स निकालते होते हैं, तो हमें डीएक्स के लिए भी यहां पे एक्स और वाई की हमें वैल्यूज चाहिए होती है, तो उस वो निकालने के लिए अब हम यहां पे देखते हैं क्या करते हैं। देखो ये जीरो है, मतलब ये लेट ओ ले लेते हैं, ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, हम यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, ओ पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करा, ये ऐसे ले लेते, ठीक है। अब आपको मैं चीज बताऊं, देखो इसमें आप देखोगे ये चीज, ये तो r है ना, रेडियस ऑफ आर्च है ना, तो वैसे ये भी तो r हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल r हो जाएगा ये पूरा, ठीक है ना, ये हमारा सिंपल r हो गया पूरा, ये r हो गया, ठीक है। अब हमें ना इसकी और इसकी फाइंड करनी है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ r, तो यहाँ पे लेट ये थीटा ले लो, आप ये थीटा ले लो। देखो अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, देखो पी बी पी एच एच बी, देखो ये कैसे याद करता मैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, थोड़ा फनी है लेकिन ये ऐसे ही है, ये मेरा वे है, किसी का अलग होता है। तो अब हमें देखो ये निकालना है, ठीक है, ये कैसे आएगा, देखो अब हमें यहाँ पे बेस बेस लेना है, ये बेस है, तो बेस ऊपर आ गया, हाइपोटेन्यूस ये लेना है, तो आर ये मतलब ये कॉस थीटा होता है, देखो ये साइन कॉस ये टेन है ना, ये ऐसे होता है ना, तो कॉस थीटा मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आर कॉस थीटा, ये हमारा आर कॉस थीटा हो गया ना पूरा, ये हमारा आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब देखो वाई, अब वाई में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लेना है, तो ये साइन थीटा में आ जाए, तो वाई हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे आर साइन थीटा। तो मतलब कि इससे हमें क्या पता चला, देखो हमारे वाई की वैल्यू तो आ गई आर साइन थीटा, y की वैल्यू तो हमारी आ गई r sin थीटा, लेकिन अब x की वैल्यू तो निकालने, मैंने आपको कहा था ये x और y की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, तो x की निकालेंगे। अब x की ऐसे निकलेगी, देखो यहां से यहां तक तो r है ये पूरा, है ना, ये पूरा r है, और इतना ये r cos थीटा है, अगर हम r में से r cos थीटा माइनस कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा ना, तो वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे x क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा p पॉइंट के लिए है, जो हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं p पॉइंट के लिए, x हमारा क्या आ जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा। तो अब ये करने बाद अगर हम इसको थोड़ा और रैशनलाइज कर दे तो आर वन माइनस कॉस थीटा। तो अब हमारे ये तो आ गए एक्स और वाई तो निकला है, अब हमें क्या निकालना है, एम बीम निकालना है, ठीक है, एम बीम निकालना है, लेकिन उसके लिए हम पहले निकालेंगे पूरा आर्च का निकालते हैं एक बार, थोड़ा हम पूरा वे में चलेंगे, ये नहीं कि सीधा एम बीम निकाल लेंगे, तो थोड़ा पहले हम आर्च का निकालेंगे। तो अब हम एम पी एमपी बीम, तो बीम क्या होता है इसमें हमारा माइनस एच इंटू वाई, ये एच इंटू वाई आपको पता है कैसे आया था, क्योंकि हम एच इंटू ये वाई, ये पूरा पी पे ये चल रहा है ना, ये आर्च के लिए है पूरा, तो हम पूरा आर्च के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा बीम माइनस आर्च, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा रखा अपनी पहली वीडियो, आप जरूर देखने वो, तो इसमें अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो मैं चाहता नहीं हो। तो अब ये ऐसे कर दिया हमने ये माइनस एच, अब हम एम बीम निकाल लेंगे, एम बीम क्या है इसमें, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर हम इसका इक्विवेलेंट बीम बनाते हैं तो ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है, अब हमें निकालना है। तो अब ये हमें पता है डिस्टेंस कितना है, x है, ये r है, अब हमें लेफ्ट साइड का निकालना है, ठीक है, कैसे निकलेगा, देखो अब हम यहाँ पे खड़े है ना, हमें मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, आर ए इंटू एक्स, ठीक है, और तो नहीं कुछ है ना, इससे हम पॉजिटिव लिया है आर ए इंटू एक्स, अब और तो कुछ है नहीं, ठीक है, एच का जो तुम्हारा था वो हम यहाँ पे नहीं काउंट करते होते, वो क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में लिख दिया, आर्च पे हमने कर दिया, तो वो हमारा ये हो गया। तो अब सिर्फ इसमें आर ए इंटू एक्स है, लेकिन जो मैंने पहले वाली वीडियो आपको पहले वाला लेक्चर था उसमें आर ए इंटू एक्स प्लस प्लस था शायद माइनस था वो मुझे अभी ध्यान नहीं, तो उसमें मैंने W इंटू एक्स भी करवाया था, तो वो आप देख लेना, इसमें नहीं आएगा ये, क्योंकि इसमें लोड हमारा सेंटर पर W है, तो वो इसमें कोई एक्ट में नहीं आ रहा, तो ये हमारा R इंटू एक्स है।
तो ये हमारा क्या आएगा आर ए इंटू एक्स, हम साइड में देते हैं आर ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई एम पी। लेकिन हम ये पूरा उसलिए निकालते हैं जब हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें फॉर्मूला तो पता है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता था वो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे एच, यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला तो हमें पता है, ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पूरा देखना होता था एम पी, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ हमारा पूरा आर्च का, ठीक है ना, बेंडिंग मूवमेंट। तो अब हमें फॉर्मूला तो पता है, हमारा फॉर्मूला क्या है एच इज इक्वल टू एम वाई डी एस बाय ई आई और इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एस बाय ई आई। अब फॉर्मूला तो हमें पता है, तो हम ये चीजें करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, कि मतलब हम एमपी से जाएंगे दोबारा से दोनों के इंटीग्रल अलग अलग करेंगे, तो वो हम करेंगे नहीं। तो अब हमें फॉर्मूला पता है, और यहाँ पे क्या होता है एमपी बीम होता है यहाँ पे, तो क्या होता है हमारा एमपी बीम, तो ये हमारा एमपी बीम होता है। तो अब सिंपली हम सब कुछ पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे हमारा एम बीम क्या आएगा आर एन टू एक्स, तो एम बीम लिख, एम बीम लिख लेते हैं सिंपल, एम बीम हमारा हो गया आर ए इंटू एक्स। आर ए कितना था हमारा, हमने निकाला था डब्ल्यू बाई टू, आर ए हमारा हो गया डब्ल्यू बाई टू, और हमारा एक्स कितना हो गया, एक्स हमने यहां पे निकाल लिया आर ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा एम बीम आ गया। देखो तभी मैंने वाई और एक्स की वैल्यू निकाली, देखो वाई की हमें यहां पर यूज होगा, ठीक है ना, यहाँ पे यूज होएगा और x की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी। तो ये था, अब आप देखोगे तो हमारा एम बीम तो निकल गया, ठीक है। अब हम ये सारी चीज इस फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखोगे कि हमारा ना थीटा के टर्म्स में आ गया, ठीक है ना, थीटा के टर्म्स में आंसर आ गया, लेकिन हमारा फॉर्म तो डीएस में है, तो हम इसे थीटा के फॉर्म में लेके आना है। तो वो कैसे लेके आए अब वो समझाता हूँ मैं आपको। देखो यहां तक तो आपको अच्छे समझ आ गया, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे आएगा। देखो ये हमारा आर्च है, सेमी सर्कुलर आर्च, यहाँ पे हमने ऐसे है, देखो उस मैंने वीडियो में आपको समझाया था कि हम यहाँ से डीएस हमारा ये थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, छोटा सा डिस्टेंस होता है डीएस। तो अगर हम इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करें तो ये भी आर और ये भी आर, ठीक है, और इसमें लेट ये डी थीटा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा डी थीटा, ठीक है। अब ये अगर आपने पढ़ा हुआ है, ये टेंथ में हमने पढ़ा था ये चीज, जिसपे आपको दिया होता है रेडियस दिया होता है थीटा दिया होता है, तो हम यहाँ पे अपने आर्क पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी छोटी सी आर्क के लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, बहुत टाइम हो गया। तो अब अगर मैं आपको लिखूं तो आपको सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला होता है डी एस इंटू आर डी थीटा, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। अब अपने यहाँ पे डी एस इजल टू आर इंटू एंगल बिटवीन डेम, रेडियस इंटू एंगल बिटवीन डेम, अगर डी थीटा तो हमने लेट ऐसे करा है, अगर यहाँ पे कुछ और भी होता है जैसे 30 डिग्री भी होता है तो हम यहाँ पे आर 30 डिग्री लिख देते। तो ये था हमारा ये वाला फॉर्मूला, उससे हम डी एस निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पता है कौन सा क्या नाम है इसका एग्जैक्ट, तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख दे, जिनको नहीं पता उनको भी लग जाएगा पता। तो डी एस इजल टू आर डी थीटा हो गया। तो अभी सारी चीजें हम इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, ये भी इसमें आ जाएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी जो हमने यहाँ पे निकाल ली है, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, और फिर हमारा आंसर बहुत ही इजी है। तो हम सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। देखो ई आई और ई आई तो कट जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है कहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि ई आई अलग है, आई अलग है या ई अलग है, तो यूनिफॉर्म है, तो ये तो कट गया। अब मैं सिंपली यहाँ पे आपको एच लिख के दिखाता हूँ। देखो हमारा एच क्या होता है यहाँ पे, अगर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये पुट करना है हमने w by 2 r 1 minus cos theta, अब into y हमारा क्या निकला था r sin theta, यहां पे हम कहीं लिख लेते हैं हमारा y क्या है r sin theta, हमारा y r sin theta है, तो into y इस फॉर्मूले में r sin theta और आर डी थीटा, डीएस की जगह हमने आर डी थीटा डाल दिया क्योंकि हमें डी के टर्म्स में ये करना है डिवाइड बाय, और ये इंटीग्रल पूरा होता है, ठीक है, जीरो जैसे वैसे पूरा लेंथ कर लिख लो, या तो फिर इसमें हमारा क्या आएगा जीरो टू पाई, क्योंकि हमें पूरा निकालना, तो ये 180 डिग्री होता है ना, जीरो डिग्री से पाए, ठीक है ना, ये होता है 90 डिग्री हमारा यहां तक अगर होता तो पाई बाई टू हो जाता, तो हमने पूरे के लिए निकालना है। तो अब ये हो गया, अब वाई स्क्वायर इंटीग्रल करा
जीरो से पाए वाई स्क्वायर, वाई क्या हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, डीएस को हमने लिख दिया आर डी थीटा। अब अगर आप इसमें देखोगे तो कुछ चीज कैंसिल हो रही है, लेकिन चलो पहले हम वो कैंसिल करते हैं फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ मैं। जैसे कि हम इसको कैंसिल कर देते हैं, देखो आर तीन आ रहा है, ठीक है इधर भी तीन आ रहा है, आर से आर स्क्वायर गया, वाई बारह आ रहा है कॉन्स्टेंट है। लेकिन अब इसमें एक ट्रिक क्या है, अगर आपने पढ़ा है प्लस वन प्लस टू आपने पढ़ी होगी इंटीग्रेशन, तो उसमें आपको पता है कि अगर जीरो से लेके पाए तक, जीरो से पाए नहीं बोल देते, चलो यहाँ पे एबीसी बोल देते हैं, चलो जीरो से पाए, जीरो से पाए अगर जीरो से पाए है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जीरो से पाई बाय टू, बाहर को टू आ गया, ठीक है ना, ये आपको पता है ना, हम ये चीज कर सकते हैं अगर जीरो से इंटीग्रल शुरू होता है, आपको पता होना चाहिए जीरो से, अगर जीरो से पाए हो तो जीरो से पाई बाय टू हो सकता है, ठीक है ना, अगर जीरो से शुरू हो, अगर यहाँ पे पाई बाय फोर कर दे हम तो ये फोर हो जाएगा, तो ये चीज होती है, ठीक है। अब जीरो टू पाई बाय टू वैसे हम करेंगे क्योंकि हमें टू कैंसिल करना है, ठीक है, हम वही चीज करते हैं, लिखते हैं आगे हमारा एक पूरा फॉर्मूला, देखो क्या बनेगा, एच इज इक्वल टू देखो जीरो से पाई बाय टू, यहाँ पे टू भी आ गया और डब्ल्यू भी बाहर हमने लगा लिया, लेकिन माइनस हाफ यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल जीरो से पाई बाय टू, क्योंकि हमने नीचे भी करा है, बाहर टू आ जाएगा, यहाँ पे आर तो आएगा नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो ये हमारा ये पूरा आगे थोड़ा सा फॉर्मूला बन गया। अब हमारा देखो टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो अब आगे और चीज क्या है, तो याद है तो सिंपल नॉर्मल था पूरा, जो सिंपल इंटीग्रेशन आपकी अभी उसमें आई नहीं, तो ये थोड़ा सा सिंपल था। अब हम अलग अलग से उठाते हैं, क्योंकि अगर हम साथ साथ में लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम और हॉचपॉच हो जाएगा, तो हम एच जो हम निकालना है हम इसे न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो अब हम उठाते हैं न्यूमिरेटर, इसका हम उठाएंगे न्यूमिरेटर, तो न्यूमिरेटर हमारा देखो अब क्या बचा है, जीरो से पाई बाय टू डब्ल्यू बार वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन अब अगर आपने एक चीज पढ़ी हुई है, अगर आपने फॉर्मूले इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा कि जो अगर हमारा इसकी इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर हमारी ये बन जाती है, अगर लेट ये u है और ये du बन जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, आगे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, यू स्क्वायर बाय टू ए से बी। कैसे, दोबारा समझाता हूं आपको, देखो अगर हमारा a से b कोई रूट है, इंटीग्रल है, ठीक है, वैसे यहां से a से b लेते हैं और एक u है, तो और उसकी डिफ्रेंसिएशन ये बनती है, ठीक है ना। अगर आप करोगे वन माइनस कॉस थीटा की डिफ्रेंसिएशन करो, देखो वन की जीरो माइनस कॉस थीटा की हो जाएगी प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, कॉस की होगी हमारी माइनस साइन थीटा, प्लस हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो वैसे तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, यू स्क्वायर अपॉन टू एक स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बाय टू हो जाएगा और ए से बी इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, मैंने आपको समझा भी दिया क्या चीज है। तो अब सिंपली हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा बाय टू, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यू स्क्वायर है, और इसका क्या हो जाएगा ए से बी, जो कि हमारा जीरो से पाई बाय टू है। तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, ये हाफ आ गया। तो न्यूमिरेटर देखो हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू इंटू वन बाय टू, भूलना मत हमने डब्ल्यू भी लिया हुआ है, ठीक है ना, कई बार हम भूल भी जाते हैं डब्ल्यू लिया हुआ, तो ये था अगर, ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हो करके, तो आपको यही आएगा, हाफ ही आएगा अगर आप इनमें वैल्यूज भरोगे, तो w इंटू वन बाय टू ये हमारा आ गया न्यूमिरेटर। अब हमें निकालना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे साइड भी कर देते हैं। देखो डिनोमिनेट की इंटीग्रेशन मैं अभी थोड़ी सी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी चली जाएगी, तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें तो क्या है हमारा, जीरो से पाई बाय टू, ठीक है, टू बाहर है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ तो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं आपको स्टेप बता देता हूँ एक, कि अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हम इसे ना वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू से कर सकते हैं, ठीक है ना,
ये इसको इसमें कर देंगे, ठीक है ना, डबल एंगल्स बोलते थे शायद से, तो ये ऐसे कर देंगे, तो उसमें बाद में अलग अलग से इसको इंटीग्रेट करके हम निकाल देंगे सॉल्व। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, और ये इंटीग्रेशन वगैरह ये इंटीग्रल वगैरह भर दोगे, तो हमारा क्या आएगा 2 × π/4 हमारी आएगी डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये आप जरूर कर लेना, मैंने छोड़ दिया लेकिन आप जरूर करना, क्योंकि वीडियो अगर आप लंबी हो गई तो आपको मन नहीं करेगा देखने का, तो मैं छोटी से छोटी जाता हूँ। तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 × π/4 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पेज से करते हैं। देखो हमारा एच क्या था, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो हमारा एच क्या था, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, ठीक है ना, हमारा ये हो गया। तो एच इज इक्वल टू हमारा न्यूमरेटर क्या निकला है, W × ½, तो W × 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा क्या निकला है 2 × π/4, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 गया, यहां से ये गया, तो हमारा डिनोमिनेटर ये पूरा h क्या आएगा W/π, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तो हमारा आज का सोल्यूशन था। और h यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये आपको पता होना चाहिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं। और अगर आपको ये नहीं पता हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो आप जरूर मेरे पहले वाली वीडियो देखना, मैं फिर भी कह रहा हूं आपको देखना जरूर वो वीडियो, ये वीडियो देखने से पहले। तो ये हमारा आंसर आ गया, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारी क्या आएगी W/π। और ये हमारे किस चीज के लिए, कौन से केस के लिए हमारा, ये पॉइंट लोड के लिए, जब भी हमारा यहाँ पे होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी आ गया, ये सेम आ गया, देखो कि W यहाँ पे दिया, समझो W लेट 20 दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमें कहा है कि पूरे स्पैन के लिए फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अगर हमें बोला होगा कि सेमी सर्कुलर आर्च है और हमें पॉइंट लोड दिया हुआ है एट सेंटर, और क्या लोड है हमारा 20 kN है, लेट 20 kN हुआ, तो यहाँ पे आपको सिंपल 20 पुट करना है 20/π, ठीक है ना। 20/π आपने करा और ये सॉल्व करा तो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पूरा, ये मैंने आपको सेमी सर्कुलर पर करवा दिया टॉपिक पूरा। और अगर आप देखोगे ना तो सेमी सर्कुलर पर मैंने ये चीज करवा दी है, अब हम करेंगे पैराबोलिक पर। अगली वीडियो हमारी होगी, अगला लेक्चर होगा हमारा पैराबोलिक आर्चेस पे। पैराबोलिक थोड़ा सा अलग है, इसमें 2-3 केस आएंगे, तो वो एक 1 by 1 हम सारे केस करेंगे ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक 2-inch आर्चेस और सेमी सर्कुलर आर्चेस, जिसमें हमने करा है पॉइंट लोड एट सेंटर। तो आपको समझ आ गया मैंने कैसे अच्छे से करा, ये सिंपल एनालिसिस से निकला RA और RB, फिर हमने सारे x और y की वैल्यू हमेशा आपको निकालनी जरूरी है, आप x y हमेशा ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने अपनी पूरी लास्ट वीडियो में आपको कराया था, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हमारे HA HB = HH क्या होता है, ये सारा हमने कैसे निकालना है। तो आप जरूर वो वाली लेक्चर भी देखें, उससे हमारा ये H पूरा ड्राइव हो गया था, तो हमने कर लिया था, तो वो हमने सीधा फॉर्मूला, ये सीधा फॉर्मूला लगाना होता है, ये कहीं भी आपको डेरिवेशन दोबारा से नहीं करनी होती। तो हमने ये निकाला, हमने निकाला पूरा, ठीक है, ये तो डेरिवेशन के लिए निकालना होता है मूवमेंट ऑफ फुल आर्च, ठीक है ना। तो लेकिन हमें तो फॉर्मूला पता है, तो हमने सिंपल एम बीम निकालना था, तो यहाँ पे एम बीम निकाला, पुट करा, ये वैल्यू हमारी आई, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग अलग से सॉल्व करा, और फिर हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये आंसर प्लीज याद कर लेना, CTM कमिट टू मेमोरी, तो ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा, H = W/π किसके लिए, गिवन पॉइंट लोड एट सेंटर और एट इट्स क्राउन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना, और प्लीज हमारे चैनल सिविल इंसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना आगे की और वीडियोस के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।